Hello guys, welcome to ePoet, Stage 1, Lecture 1. Basic terminologies that is used in Stage 1. दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजीज टर्म्स का यूज इनफाइनाइट है. आपके पास टर्म्स में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन आर्टिकल्स नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दुनिया भर की टर्म्स है. इतनी टर्म्स है कि अगर उस पर लेक्चर ले लोगों तो कम से कम 10 लेक्चर लगेंगे. हम कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि ऑर्डिनरी यूज में आती है, आपको एकेडमिक हेल्प करेगी, आपके एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी. टर्म्स का हम यूज साथ साथ करते जाएंगे, केवल टर्म पे ही पूरा लेक्चर नहीं रखेंगे ताकि आप बोर ना हो सको. राइट दोस्तों, आज जो टर्म्स करने वाले हैं वो टर्म्स वो यूज करने वाले हैं जो कि हमारे सेंटेंस मेकिंग में यूज होती है, स्टेज वन के सेंटेंसेस. राइट, बट इससे पहले कौन सी यूज करेंगे पता होना चाहिए हमें. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस सेंटेंस कैसे बनता है. राइट, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है उसमें सब्जेक्ट, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड जो आपका शेष बचा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, इन बेसिक टर्म्स में आज समझाएंगे. जब बेसिक टर्म्स समझ में आ जाएगी हम सेंटेंस मेकिंग शुरू कर देंगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. राइट दोस्तों, तब स्टार्ट करेंगे हम बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जिसे आप हिंदी बोलते हैं कर्ता. आपका लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें एक कर्ता जरूर मिलेगा आपको. कर्ता कौन होता है, जो कि कर्म कर रहा हो, क्योंकि वो काम करने वाला हो सेंटेंस में. जैसे माँ कपड़े धोती है, इसमें कर्ता कौन है, माँ. काम करने के लिए कौन कर रहा है काम, कपड़े धोने का काम, माँ. ठीक, राइट, मदर वॉशिज द क्लोथ्स. मदर इज सब्जेक्ट, मदर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन होगा, कर्ता, क्योंकि काम कर रहा हूं. मैं एक बिल्कुल इजी इंग्लिश सेंटेंस लिखूंगा जिसमें आपको सभी सभी चीजें बताता हूं कि कौन सी चीज किस तरह से यूज रखी है. सीता वाज लाइंग ऑन द बेंच ड्यूरिंग होल डे. राइट, हिंदी में लिखेंगे सेंटेंस को, सीता सारा दिन बेंच पर लेटी रही. राइट, हमारा हिंदी में सेंटेंस है दोस्तों, सीता सारा दिन बेंच पर लेटी रही. कर्ता कौन होगा इसमें, कौन बेंच पर लेटा रहा, सीता. सीता इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. क्रिया क्या हो रही है, दिस इज योर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग
and prepositions. दोस्तों ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट, जो आपने सीखा व्हाट इज सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. देन हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन एंड व्हाट इज रिमेनिंग लेटर ऑन. राइट, स्टार्ट करें दोस्तों. वर्ब क्रिया या वो काम जो कि आपके सेंटेंस में हुआ है. हमारा सेंटेंस है सीता सारा दिन बेंच पर लेटी रही. काम क्या किया उसने, लेटना. इंग्लिश में बोलते हैं लाइंग. राइट, तो वर्ब क्या है, क्रिया. क्रिया क्या है, लेटी रही. हमने सेंटेंस यूज किया लाइंग. हेल्पिंग वर्ब, दूसरे हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इज एम आर आपने पढ़े हुए हैं. वाज verb, has, had, had और models जिसमें विशेषण आपके ऑलरेडी इंक्लूड है. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम करता है. आपने कॉमन एयर में टॉपिक पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. इसे एग्रीमेंट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट करवा रहा है. क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दोनों के बीच में, ये हमें टेंसेस स्ट्रक्चर, इसीलिए टेंसेस की परिभाषा पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करें. सभी सेंटेंसेस के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जो कि डिटेल्स हम सेंटेंसेस की मेकिंग में करेंगे. राइट, देन कम्स ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर क्रिया हुई हो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े. क्रिया किस पर हुई है, सीता सारा दिन बेंच पर लेटी रही. क्रिया प्रभाव किस पर पड़ा, बेंच पर. तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बेंच. ड्यूरिंग बाकी सब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो बेंच हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. इनको जोड़ने के लिए हम कुछ यूज करें, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे. होल डे, व्हाट इज होल डे, जो रिमेनिंग है. सेंटेंस में बच क्या गया, हमने सीता का लिख दिया सीता, बेंच का लिख दिया बेंच, लेटना रहा लाइंग, बचा क्या बता, सारा दिन. एंड व्हाट इज सारा दिन, जो कि सेंटेंस में बचा हुआ शेष भाग बचा, इसे लास्ट में लिखना आपको हमेशा. दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग्स, जो सेंटेंस में शेष बचा. राइट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे. प्रेपोजिशंस, दोस्तों इंग्लिश में 40 से 50 के बीच में प्रेपोजिशंस है. इतनी प्रेपोजिशन डिटेल पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है. हम जो प्रेपोजिशन बेसिक्स है वो पढ़ेंगे और धीरे धीरे एड ऑन करते जाएंगे. जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे प्रेपोजिशन एड ऑन करते जाएंगे. आज जो हम बेसिक प्रेपोजिशन देखने वाले हैं, दैट इज टू, ऑन, एट, फ्रॉम, इन, ऑफ, by, to, direction शो करते हैं की ओर या से. मैं स्कूल से आ रहा था, I am coming, I am going to school, मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल की ओर जा रहा था. ठीक, I am coming to school, डायरेक्शन. राइट, ऑन पर, एट पर, दोनों पर होते हैं, बट बेसिक डिफरेंस क्या है, दिस इज द पर ऑफ ऑन टू समथिंग, ऊपर, लाइक ऑन द
टेबल किसी चीज के ऊपर, ये सिंपल पर है जैसे दरवाजे पर, एट दी डोर, वह दरवाजे पर खड़ा था, ही स्टैंडिंग एट दी डोर, वह टेबल पर खड़ा था, ही इज स्टैंडिंग ऑन दी टेबल, राइट। दोनों पर भी डिफरेंस है, एक पर बिल्कुल ऊपर है जो कि किसी वस्तु के ऊपर होता है, जबकि दूसरा एट उसके सामने है, राइट। फ्रॉम से, मैं गंगानगर से आ रहा था, इन में ऑफ का के की एंड बाय के द्वारा, प्रोसेस बेसिक्स है बिल्कुल, आपको याद करने हैं, इसकी यूज धीरे धीरे हमारे सेंटेंसेस में होते जाएंगे, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आगे आसान लगते रहेंगे। देन लास्ट थिंग जो हमारे बेसिक सेंटेंसेस में यूज होगी, दैट इज आर्टिकल्स। तीन आर्टिकल्स है बेसिक यूज पड़ेगी सिर्फ उनका, ए एन एंड दी, ए मीन्स ए एन मीन्स ऑल्सो ए, दी मीन्स स्पेसिफिक टू समथिंग। तो बता दो क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक टू समथिंग, व्हाट इज ए, ए बुक, ए गिफ्ट एटसेट्रा, ए जिसे हमारे नंबर पास बोलते हैं वन, एन, एन भी एक यूज होता है बट केवल वहां जहां पे आपकी ए ई आई ओ यू की साउंड आए, जैसे ही इज टेकिंग एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एप्पल वही एक ही है बट ए एप्पल नहीं है, एन एप्पल है, क्यों, क्योंकि ए की साउंड आ रही है उसमें, एन अम्ब्रेला, यू की साउंड आ रही है उसमें, अ की साउंड आ रही है उसमें, राइट। ए और एन भी इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, डिटेल यूज हम सेंटेंसेस में पढ़ेंगे उसका। स्पेसिफिक दी, स्पेसिफिक टू संडे, लाइक मैं एक वर्ड यूज करता हूँ संडे, हम सेंटेंसेस में दोनों तरह से हमने बचपन से पढ़ेंगे, संडे एंड दी संडे, जब संडे कोई स्पेसिफिक ना हो, जब संडे कोई पर्टिकुलर ना हो, डे रूटीन वाला संडे हो, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज से संडे यूज करते हैं, जैसे कि मैं संडे को अखबार पढ़ता हूं, आई यूजली रीड द न्यूज़पेपर ऑन संडे, बट मैं बोलूंगी मेरे टेंथ का रिजल्ट संडे को आया था, तो वो एक स्पेसिफिक संडे जो कि आपके लाइफ में एक ही बार आया है, स्पेसिफिक एक ही बार, ठीक है, वहां पे आप यूज करोगे दी संडे। तो दी वर्ड का यूज आप दी बुक और बुक दोनों वर्ड आप पढ़ोगे, बुक अकेले लिखा जाता है एंड दी बुक, जब आप जनरल बुक की बात करते हो आप बुक लगाओगे, जब आप स्पेसिफिक बुक की बात करते हो, आप टेंथ में पढ़ी है या इंग्लिश ग्रामर की कोई बुक है, आप लगाओगे दी बुक, दी का सेंटेंसेस ऐसे ही आएगा। तो बेसिक टर्म्स में हम आज ये टर्म्स पढ़ेंगे, आगे सेंटेंस कैसे फॉर्मिंग होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने, ज्यादा समझाया नहीं अभी, हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आए हो, परंतु जो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा वहां से टेंसेज शुरू होंगे, टेंसेज भी डिटेल में शुरू होगी, वहां पे आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी इसकी। आप लोगों को सिर्फ के नाम पता होने चाहिए थे, इसलिए मैंने केवल इनकी इंट्रोडक्शन दी है, इस तरह की चीजें यूज होगी, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड द रिमेनिंग क्या है। इसके अलावा आप ए एन डी का यूज बीच में कैसे करोगे, या प्रिपरेशन बीच में करेक्ट करने के लिए दो वर्ड को कैसे लगाओगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर टू स्टेज वन में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ई पॉइंट पर।